इस वीडियो में हम आपकी हिंदी का कार्य पत्रक 67 करेंगे। सबसे पहले यहाँ बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर डेट लिखनी है। तो बच्चों ये जो कार्य पत्रक है, इस कार्य पत्रक में हम आपका वर्ग पहेली से नए शब्द बनाना सीखेंगे। तो बच्चों वर्ग पहेली क्या होती है, जैसा कि आपने अखबार में कभी देखा होगा, तो इसमें वर्ग पहेली में हमारे को हमारे दिमाग पर पूरा जोर लगाकर देखना पड़ता है। देखो जैसे पहला शब्द दे रखा है, देखो दो तरीके से भरना है इसको। एक है बायां से दायां, यानी कि बाएं से दाएं का मतलब होता है इस तरीके से भरना, जैसे हमने इंग्लिश में की थी। और एक है ऊपर से नीचे, तो आपको यहाँ पर निर्देश दिए हुए, जैसे पहला निर्देश दिया हुआ है पानी का पर्यायवाची। एक ऐसा शब्द देखना है जो कि पानी का पर्यायवाची और दो ही अक्षरों का हो। यहाँ पे दो दे रखा है, इसका मतलब ये दो अक्षरों का। जहां पर तीन दे रखा है, इसका मतलब वो तीन अक्षरों का। तो दो अक्षरों का हमने क्या बनाया, जल, जल, जल। फिर दूसरा है, अब देखो जल जल से हमारे को एक आइडिया लग गया। अब इसी तरह से यहां देखो बादल का पर्यायवाची, अब हमारे को आइडिया लग गया कि बादल का पर्यायवाची जो कि तीन अक्षरों का हो और उसकी शुरुआत जय से हो, तो बच्चों वो होता है जलद, जल द जलद। तो इस तरह से हमारा ये पहला पूरा हुआ। फिर दूसरा है कि घर मकान का पर्यायवाची, घर भवन का पर्यायवाची तीन शब्दों का, तो मैंने बना के देखा मकान मकान। अब ऊपर से देखो घर मकान से हमें मैं मिल गया, आनंद, आनंद का बना बच्चों मजा, मैं जा मजा, दो अक्षरों का ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो अक्षर। और फिर तीसरा है एक आंख वाला व्यक्ति, दो अक्षरों का शब्द है, तो काना, आपको भी पता ना कहां एक आंख वाला होता है, तो इस तरह से हमारा ये शब्द जुड़ गया। अब इसके बाद में चौथा है मेरे पिताजी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के, यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा, पद, पद पर कार्य करते हैं, तो यहां पे मैंने शब्द लगा दिया पैद पद। अब हमने देखा पांचवा है हमारा, चौथा हमारा मर जाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये अर्थ है परलोक सिधारना। तो इस तरह से हमने इसको पूरा का पूरा लिख दिया। चार चार अक्षरों के दो शब्द हैं, एक बन गया परलोक और दूसरा बन गया सिधारना। इसके बाद छठा शब्द हमने बना रखा है धन या सोने चांदी का भंडार, इसे हम कहते हैं बच्चों खजाना। क्या कहते हैं इसको, खजाना। तो हमारे पूरे शब्द सही बैठ जाते हैं। छठा है भयानक या डरावना, पांच अक्षरों का ऐसा शब्द जिसका मतलब डरावना हो, तो बनाया मैंने खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक। तो ये पांच अक्षरों का शब्द है जिसका अर्थ होता है डरावना। इसके बाद में मैंने बनाया बच्चों ठंडा का विलोम, ग्यारहवां शब्द। अब देखो सॉरी सातवां, ठंडा का विलोम, जो ठंडे का उल्टा क्या होता है बच्चों, गर्म। अब ये देखो यहां पर हमारे को परलोक से रह मिल गया था, गरम मैंने यहां डाल दिया, पूरा बन गया गरम। अब हमारा पांचवा भी बन जाएगा जोर से चमकना, यानी कि चमकना। इसके बाद में बच्चों आठवां शाही रखने का पात्र, तो आठ आपको पता शाही हम किस में रखते हैं, दवात में, तो यहां पर मैंने रख दिया बच्चों दवात। खतरनाक से मुझे त मिल गया था, दवात यहां रख दिया। अब नौवा है तर्क वितर्क झगड़ा, यानी कि पहला दो और दूसरा तीन, वाद विवाद, वाद विवाद, इस तरह से हमारा ये बन गया। और बारहवां था भगवान राम के पिता, यानी कि दशरथ, दशरथ, दशरथ। तेरहवां है कोई बात सुनकर बिदकना, बिगड़ना, तो वो बन गया बच्चों भड़कना, भड़कना, भड़कना। दसवां है पृथ्वी के नीचे डैश लोक है, पाताल लोक है, तो यहां पर हमने लोक डाल दिया। तो अब हमारे को ये सारा का सारा पूरा का पूरा हमारे को मिलता जाता है। ग्यारहवां बिना काम के द्वार द्वार घूमना, यानी कि दर दर भटकना, पहला दर दो शब्दों का, दर 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 भटकना, तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जुड़ता जाता है। पंद्रवा है दिखावा करना, यानी कि दिखावटी, दिखावटी।
और इधर यहां से हमने जब देखा था 14वां बनाया था हमने नष्ट, नष्ट यानी कि विनाश जो हमारा पहले ही बन गया अपने आप ही बन गया था। 15वां सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची बनाया बच्चों मैंने दिवाकर, क्या बनाया बच्चों दिवाकर, दिवाकर। 16वां रहस्य गुप्त, रहस्य गुप्त का मैंने बनाया बच्चों राज। इसके बाद में बच्चों हम आगे चलते हैं, ये इतना आपने नोट कर लिया, आगे हम चलते हैं। 17वां है जिसके डालने से भूमि उपजाऊ होती है, तो आपको पता है ना बच्चों किसके डालने से भूमि उपजाऊ होती है, खाद के डालने से, तो यहां पर हम बनाएंगे 17वें का हमने बनाया खाद। तो देखो बच्चों 17वां जो है हमारा उसका बन गया खाद, ये हमारा अपने आप ही बन गया था। 18वां था सियाराम अरुण को दौड़ा दौड़ा कर थकाना चाहता था, तो तीन अक्षरों का शब्द है थकाना, थकाना चाहता था। यहां पर हमने राज बनाया था, तो बच्चों 20वां इसी से अपने आप बन गया रज, रज मतलब होता है धूल मिट्टी के कण। और इसके बाद में बच्चों हमने 23वां हमने बनाया बच्चों नकल करना, 23वां हमने बनाया नकल करना, तो देखो बच्चों नकल करना होता है टीपना, टीपना। और एक हमने बनाया पानी में उठने वाली तरंग, इसे हमने बनाया 24वां बच्चों लहर, लहर है लहर। 25वां तो एक ही शब्द है माता, माता का एक ही नाम है मां। इसी तरह से बच्चों हमने 19वां हमने बनाया था आंखों को सुंदर बनाने के लिए लगाया जाता है, तो बच्चों हमने बनाया काजल, क्या बनाया काजल। 21वां है पेड़ का जमीन से ऊपर उठा भाग, इसे हमने बनाया बच्चों तना। और 22वां है अनिल ने तैरकर नदी पार की। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ग पहली है। अब एक बार आपको ये भरनी आ गई ना बच्चों, अब आगे जब आप रोज पत्रिका या भास्कर के अंदर ये वर्ग पहेलियां आती है वहां से आप प्रैक्टिस करना, तो आपकी जो हिंदी के पर्यायवाची का ज्ञान है ना वो बहुत अच्छा होता है, इसको भरने से दिमाग बहुत तेज होता है। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वर्ग पहेली अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को कहना कि वो भी इसे जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।